हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज क्या होती है और उनके कितने टाइप्स होते हैं। मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज बेसिकली वो स्ट्रेटजीज हैं जो कंपनीज यूज करती हैं फॉरेन मार्केट्स में एक्सपेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम हमारे फेवरेट मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं। जब मैकडोनल्ड्स यूएसए में बहुत अच्छे से चलने लगा, तब उन्हें लगा कि और प्रॉफिट्स कमाने के लिए उनको दूसरी कंपनीज में भी एक्सपेंड करना चाहिए। तब उन्होंने एक मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी यूज की जिसका नाम था फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी इतनी सक्सेसफुल रही कि आज उनके होम कंट्री मतलब यूएसए के अलावा मैकडोनल्ड्स 100 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। तो ऐसी ही मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले दो कंसेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। होम कंट्री ये वो होती है जिस कंट्री में उस बिजनेस को इनिशियली स्टार्ट किया गया था। इस कंट्री में उस बिजनेस के हेडक्वार्टर्स होते हैं। सिंपली याद रखने के लिए समझो, होम कंट्री मतलब जहां कंपनी का घर है। तो मैकडोनल्ड्स का होम कंट्री है यूएसए। होस्ट कंट्री वो नई कंट्रीज होती है जिसमें एक कंपनी को एक्सपेंड करना है। तो मैकडोनल्ड्स के होस्ट कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, चाइना, जापान एटसेट्रा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि एंट्री स्ट्रेटजीज क्या होती है। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। वो कंपनीज जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी यूज करती है, उनको बेसिकली अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है होस्ट कंट्री में। उनको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि उनका प्रोडक्ट कितना ज्यादा एक्सेप्टेबल है नई कंट्री में, उसकी डिमांड है या नहीं, और है तो फिर कितनी, कौन से प्रोडक्ट साइजेस उनके बेस्ट सेलिंग है। जब कभी भी किसी भी फॉरेन मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी होती है, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉरेन कंट्री में बहुत कम होती है कंपेयर टू अदर मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज। तो अगर प्रोडक्ट फेल भी हुआ तो लॉस कम होता है एंड कंपनी इजीली उस मार्केट से निकल सकती है। इस स्ट्रेटजी में जनरली होस्ट कंट्री के एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हाउस को इंपोर्टिंग एजेंट बनाया जाता है। ये बिजनेस हाउस को हाई एक्सपीरियंस होता है होस्ट कंट्री के मार्केट का, तो कंपनी अपने होम कंट्री से कंटेनर्स लोड डायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है होस्ट कंट्री के इंपोर्टिंग एजेंट को, और ये इंपोर्टिंग एजेंट या बिजनेस हाउस रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इन प्रोडक्ट्स को होस्ट कंट्री के मार्केट में। डायरेक्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, कंपनी को इनडेप्थ आइडिया मिलता है होस्ट कंट्री मार्केट का। सेकंड, इन्वेस्टमेंट होस्ट कंट्री में कम होती है, सो पॉसिबली फ्यूचर लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। थर्ड, कंपनी का हाई लेवल कंट्रोल है अपने प्रोडक्ट्स पे, सिंस ये प्रोडक्ट्स होम कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी। लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी में दो स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। लाइसेंसर ये होम कंट्री कंपनी होती है। ये कंपनी के पास तीन चीजें होती है, एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट लाइन, सेकंड हाई एंड टेक्नोलॉजी और बैक एंड सप्लाई सोर्स। ये तीनों चीजें लाइसेंसर ट्रांसफर कर सकती है होस्ट कंट्री में। लाइसेंसर जनरली एक कैश रिच कंपनी होती है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI लाती है होस्ट कंट्री में। लाइसेंसी एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है फॉरेन मार्केट या होस्ट कंट्री में। लाइसेंसी के पास चार चीजें होती है जो कि लाइसेंसर के पास नहीं होती, प्लांट एंड मशीनरी, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट एंड वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज। इवन दो लाइसेंसी के पास ये सब है, दे वॉन्ट टू मेक एडवांस्ड एंड बेटर प्रोडक्ट्स इन होस्ट कंट्री, जिसके लिए उनको लाइसेंसर की हेल्प लगती है। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। लाइसेंसर लाइसेंसी को ब्रांड नेम, प्रोडक्ट पेटेंट राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सप्लाई सोर्स ट्रांसफर करते हैं, ताकि लाइसेंसी होस्ट कंट्री में बिजनेस अच्छे तरीके से चला पाए। और ये सब लाइसेंसी को देने के लिए वो उससे एक रेकरिंग लाइसेंस फीस एंड 3-7% रॉयल्टी फीस पर यूनिट सोल्ड चार्ज करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड फार्मा कंपनीज जनरली लाइसेंसिंग स्ट्रेटजीज यूज करती है। फॉर एग्जांपल, हम कोविड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो बनाया गिलेन साइंस कंपनी ने इबोला वायरस को फाइट करने के लिए। बट कोविड के टाइम पे ये पता चला कि रेमडेसिविर कोविड के वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है।
तब गिलैड साइंसेज ने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स किए अदर ग्लोबल फार्मा कंपनीज के साथ, जिसकी वजह से ये कंपनीज रेमडेसिविर को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट कर पाए अपने अपने कंट्रीज में, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एटसेट्रा। इंडिया में ये ड्रग लाइसेंस किया था सिप्ला, हेट्रो लैब्स और जेबियन लाइफ साइंसेज को। लाइसेंसिंग की वजह से ये ड्रग अवेलेबल हो पाया पूरे वर्ल्ड में एंड पेशेंट्स को अवेलेबल हो पाया। इस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स ने ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ कोविड ट्रीटमेंट्स को कम किया एंड बहुत लोगों की जानें बचाई। अदर कंपनीज जो लाइसेंसिंग स्ट्रेटजीज यूज करती है वो है डिज्नी, मार्वल, नाइकी, लेगो, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, पी फाइजर एटसेट्रा। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटजी। फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटजी में भी दो स्टेक होल्डर्स होती है, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर होती है होम कंट्री कंपनी विद ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। फ्रेंचाइजर अपने ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल लाता है होस्ट कंट्री में। वो अपने फ्रेंचाइजी को ब्रांड राइट्स एंड प्रोसेस कैपेबिलिटीज ट्रेनिंग देता है। उसके साथ साथ वो कंटिन्यूसली ब्रांड को कंट्रोल करता है, मार्केटिंग इनपुट्स देता है एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्वालिटी को ऑडिट भी करता है। और ये सब करने के लिए फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी से एक एनुअल फ्रेंचाइजी फीस 3-7% रॉयल्टी फीस, या किसी किसी केसेस में ये वेरी भी कर सकता है, तो ये 3-7% रॉयल्टी फी पर प्रोडक्ट सोल्ड लेता है, जैसे कि लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी में लिया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी होस्ट कंट्री से बिलोंग करती है। फ्रेंचाइजी के पास रियल एस्टेट होता है, डे टू डे ऑपरेशंस वो हैंडल करता है। फ्रेंचाइजी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी है फॉरेन मार्केट्स में रैपिडली ग्रो करने के लिए, सिंस इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एग्जांपल, जैसा हमने देखा कि मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटजी यूज करता है, तो मैकडोनल्ड्स इज द फ्रेंचाइजर। वो अपने फ्रेंचाइजी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स को देता है फॉरेन कंट्रीज में। दीज इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स आर दी फ्रेंचाइजीज। मैकडोनल्ड्स अपने ब्रांड नेम एंड बिजनेस मॉडल देता है, जिसमें इंक्लूडेड है उनका लोगो, मेन्यू आइटम्स, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, जैसे कि कस्टमर सर्विसेज एंड फूड प्रिपरेशन। अलोंग विद दैट मैकडी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सपोर्ट भी देता है, और अपने फ्रेंचाइजी को लोकेशन, बिल्डिंग डिजाइन और इक्विपमेंट के लिए भी गाइड करता है, एंड उसके साथ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स भी कैरी आउट करता है। इन रिटर्न फ्रेंचाइजी को इनिशियल फी देनी होती है मैकडी को, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ रेस्टोरेंट। इंडिया में ये अमाउंट तकरीबन 20 से 25 लाख होता है। उनके रॉयल्टी फीस होते हैं 4% ऑफ द ग्रोस सेल्स। नेक्स्ट मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में दो ग्लोबल कंपनीज या फिर एक ग्लोबल कंपनी और एक लोकल कंपनी साथ में मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं। दोनों उस कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं और दोनों अपने स्ट्रेंथ यूज करते हैं होस्ट कंट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। ये दोनों फर्म्स कंपीट करने की जगह साथ मिलकर काम करती है, ताकि फालतू का एक्सपेंडिचर ना हो मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन में। इसका बेस्ट एग्जांपल है टाटा स्टारबक्स। स्टारबक्स के पास एक बिजनेस मॉडल है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और डॉलर्स मतलब FDI है, एंड टाटा के पास कॉफी मतलब प्राइमरी रॉ मटेरियल है, टाटा रियलिटी मतलब रियल एस्टेट है, और इंडियन मार्केट में सालों का रिटेल नॉलेज है। दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप मुझे पूछोगे कि जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजिंग स्ट्रेटजी एंड लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या होता है। इन तीनों में दो कंपनीज होती है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो इसमें फर्क ये है कि द लेवल ऑफ रिस्क जो कंपनीज उठाती हैं वो डिफर करता है। जॉइंट वेंचर में जो होम कंट्री कंपनी है सबसे ज़्यादा रिस्क उठाती है, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली नया कंपनी बनाती है होस्ट कंट्री में आके, एंड वो खुद शेयर होल्डर बनती है। वेरस फ्रेंचाइजिंग में कम रिस्क होता है, सिंस उन्होंने होम कंट्री कंपनी सिर्फ ब्रांड राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मार्केटिंग में हेल्प करती है। एंड सबसे कम रिस्क होता है लाइसेंसिंग में, सिंस इसमें सिर्फ ब्रांड राइट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दी जाती है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजिक अलायंस। स्ट्रेटजिक अलायंस बहुत सिमिलर है जॉइंट वेंचर से। स्ट्रेटजिक अलायंस में दो ग्लोबल कंपनीज या फिर एक ग्लोबल कंपनी और एक लोकल कंपनी एक दूसरे को हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, मर्ज होके होस्ट कंट्री में नई कंपनी नहीं बनाते।
सिमिलर टू जॉइंट वेंचर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करते हैं सक्सेसफुली होस्ट कंट्री में पेनिट्रेट करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है फियाट ऑटोमोबाइल्स और टाटा मोटर्स। 2006 में इन दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म की थी। इसमें इंक्लूडेड था प्लेटफॉर्म शेयरिंग, मतलब जिस प्लेटफॉर्म और पावर ट्रेन्स के ऊपर कार्स और ऑटोमोबाइल्स को बनाया जाता है दोनों शेयर करते थे। टाटा मोटर्स इसमें फियाट के प्लेटफॉर्म्स और इंजन्स यूज करते थे टाटा इंडिगो सेडान और टाटा सुमो ग्रैंड एसयूवी बनाने के लिए। दोनों अपने कुछ टेक्नोलॉजीज जैसे कि सेफ्टी फीचर्स और एमिशन कंट्रोल सिस्टम भी शेयर करते थे, जिसकी वजह से दोनों की कार्स बेटर हुई। नेक्स्ट, फियाट टाटा का डीलरशिप नेटवर्क और शोरूम यूज करता था उसके फियाट और अल्फा रोमियो ब्रांड्स को सेल करने के लिए। इस स्ट्रेटेजिक अलायंस में टाटा ने A1 मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज दिए और फियाट ने अपने व्हीकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज दिए। हाउएवर इन 2020 पुअर सेल्स की वजह से फियाट फाइनली एग्जिटेड द इंडियन मार्केट। लास्ट मार्केट एंटरिंग स्ट्रेटजी है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। पहले हम लोग मर्जर्स की बात करते हैं। मर्जर्स जनरली उन दो कंपनीज के बीच होता है जो एक दूसरे को सालों से कम्पीट करते आए हैं। मर्जर से पहले दोनों एक दूसरे से बेटर बनने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ाते थे हाई इन्वेस्टमेंट्स करके और कस्टमर्स के लिए कम्पीट करते थे। मर्जर के बाद वो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पूरी कंपनी को बेटर करने में यूज करते हैं। दोनों की जो भी वीकनेसेस है उनको एक दूसरे की स्ट्रेंथ हेल्प करती है ओवरकम करने में। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोवार्टिस, एक स्विस मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जो फॉर्म है सैंडोज और सिबा गाइजी के मर्जर से। नोवार्टिस फार्मा इंडस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्जर माना जाता है। इनके मर्जर की वजह से नोवार्टिस एक ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और बायोटेक प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाया। इस मर्जर की वजह से ये बेनिफिट्स हुए, कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियोस, सिप्ला लीडर था इनोवेटिव फार्मास्यूटिकल्स के डेवलपमेंट में, वेयरएज सैंडोक्स लीडर था जेनरिक मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में। सो ये दोनों पोर्टफोलियोस कंबाइन हुए जिसके ये सब बेनिफिट्स हुए। कॉस्ट सेविंग हुई सिंस दोनों ने अपने R&D ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग कंबाइन किए। जियोग्राफिक एक्सपेंशन, सिबा का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, वेयरएज सैंडोज का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था एशिया और लैटिन अमेरिका में। इस मर्जर की वजह से दोनों के प्रोडक्ट्स सभी मार्केट्स में आए। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 6 मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।